तो गाइस कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती है ये हेला के। घर से निकलते कुछ दूर चलते हमें मिल गया है जाम, और जाम से हो रही है भैया वीडियो की शुरुआत। तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देख लो भाई कहां तक जाम लगा हुआ है। एक्चुअली में स्कूल है ना, स्कूल की छुट्टी हो रही है तो यार ऐसे जाम लग जाता है। स्कूल वालों को कुछ, मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए कि ऐसे जाम ना लगे छुट्टी के टाइम पर, या मॉर्निंग में जब चालू होता है, ओपन होता है स्कूल, तो उस टाइम भी कुछ ऐसे मतलब कि अपने बंदे रखने चाहिए बाहर। एक तो क्रोमा के शोरूम जाना है, कुछ गोबरों के लिए परचेज करना है, दूसरा भाई मायापुरी जाना है। तो भाई लोगों, हम पहुंच गए मायापुरी। देख के तो पता चल गया होगा आप लोगों को, लोहा लंगड़ एलॉय व्हील्स वगैरह सारी चीज़ें, कई सारी वीडियो बनाई है लोगों ने। तो हम लेने आए हैं अपने भाई फॉग लैम्प, और किस टाइप के लेंगे अभी आपको दिखा देते हैं। पहले देखते हैं दुकानें, देखते हैं कहाँ कहाँ मिल रही है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। भाई एक शॉप दिखी है ये वाली, इस पर देखते हैं जी वीप के वो लगे हुए हैं, और तो फॉग लैम्प देखते हैं। ये ऐसे में ना छोटी वाली लाइट आती है ना, इसकी जी वीप पे लगती है, जो फॉग लैम्प पे यूज होती है, आगे लगाते हैं। बड़ा लिखते हैं क्या, दिखाना एक बारी। हमने ले लिया फॉग लैम्प, अभी आपको दिखाएंगे कौन से लिए हैं। एक ही शॉप से मिल गए, ज़्यादा ढूंढे नहीं हमने, हेला के हैं, हेला के। जब हेला के कौन से वाले हैं, क्या है, सारी चीज़ें अभी आपको दिखा देता हूँ। कोशिश करूँगा फिटिंग खुद ही करूँगा मैं इसकी, इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम हटा सके। एक बटन भी प्लेस करना पड़ेगा। क्रोमा चलते हैं और वहाँ पर कुछ गोप्रो से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना है चीज़, और आज काफ़ी टाइम के बाद इस पर कुछ पैसे लगा रहा हूँ मैं, कुछ इसकी शॉपिंग कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा फील होता है, जैसे अपनी शॉपिंग करते हैं ना, वैसे इसकी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। तो भाई हम आ गए हैं बाहर अभी बाइक के पास, और हमारा काम नहीं हुआ, ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा लगता है। एक्चुअल में है क्या भाई, मेरे पास इस ग्रुपों के साथ में एक ही बैटरी है, वो भी भाई ख़राब हो रही है, मतलब फुल सी गई है। मैं सोचा था कि अगर एक बैटरी और चार्जर मिल जाता, जेन्युइन मिल जाता, अच्छी तरह शॉप से ले रहा था, ऑनलाइन नहीं मंगा रहा मैं। ऑनलाइन में यार कई बार चीज़ें ना सही नहीं मिलती हैं, कहीं और से देखेंगे, नहीं तो भाई चांदनी चौक जाना पड़ेगा। पर चांदनी चौक में ना यार संतुष्टि सी नहीं होती, संतुष्टि। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने लाइट कैसे प्लेस करी है। एंगल है, ये वेल्ड कराया मैंने, इसमें छेद कराया, फिक्स ही कर दिया परमानेंट, क्योंकि क्लिप वगैरह लगाते हैं ना, टाइट करते हैं वो लूज होता, घूमती रहती लाइट, तो इसलिए मैंने वेल्ड करा के इसको फिक्स करवा दिया। अब देखिए गाइस, ये जो डबल नट लगाए हैं मैंने ताकि लूज नहीं होगा। तो हेला की लाइट है, तो कुछ इस तरीके की आपको दिखने वाली है दूर से देखने में। फॉग में देखेंगे कितनी कामयाब है कि नहीं है। तैयारी चल रही है भाई राइड की, लॉन्ग राइड की, हो सकता है कि फॉग वगैरह मिले हमारे को। अभी ना इसका टेस्टिंग करते हैं हम लोग, और ये मैंने लाइट बंद कर दी है अपने गैरेज की, तो कुछ हेडलैम्प की जो रोशनी है वो इस तरीके की होने वाली है, तो इसको तो बंद कर नहीं सकते। तो अभी मैं कवर उतारता हूँ इसका हेलोजन का, और देखते हैं, देखो येलो कलर की दिख रही है वैसे ये कलर, और इसको स्टार्ट करते हैं भाई। इसको जब स्टार्ट करना है ना, बिना स्टार्ट करें मत करना, क्योंकि हैवी बल्ब लगा हुआ है 55 वाट का, तो कुछ इस तरीके की रोशनी होने वाली है, दिखने वाली है आपको। अब ये कितनी कामयाब है वो देखेंगे हम। तो गाइस कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती है ये हेला के, और जो भाई देसी जिप्सी वगैरह में लगती है ना कांच वाली, ये वही लाइट है सेम। तो इसमें जो रेट है भाई वो दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 413 रुपये। और अब ये जेन्युइन है कि नहीं है ये आइडिया नहीं मेरे को, पर ये पार्ट्स तो जिस हिसाब से इसमें स्लिप लगा रखी है तो जेन्युइन ही लग रही है। और भाई ये मायापुरी से मैं लेकर आया था, आपको बताया दिखाया कुछ इस तरीके का, इसका ऊपर से कवर भी है लाइट का, और वाइट और येलो दोनों में मिलती है, पर हम लाए हैं येलो, तो वाइट तो ऑलरेडी लगी हुई है हमारे पे, येलो फॉग में काम आने वाली है। और इसमें जो बल्ब यूज़ होने वाला भाई, वो बल्ब कुछ ये है, मतलब ट्यूब है इसमें ये वाली, 55 वॉट की लाइट है ये, ट्यूब है, और
45 रुपए इसमें लिखा हुआ है, जो मैं 40 रुपए में लाया हूँ। तो गाइज अब हम बात करते हैं भाई इसके प्राइस की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी एलईडी लाइट्स वगैरह आती हैं वो 1200-1500 से अब भी आती है, और कंपनी की आप लेना चाहोगे तो, और उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। सेम भाई यही है, क्योंकि ये पूरी कांच, आगे का जो शीशा ग्लास है इसमें कांच का लगा हुआ है, और पीछे से बैक जो है वो अपना लोहे की है। तो भाई इसमें कोई भी कोई वारंटी आपको कोई नहीं मिलने वाली। इसके साथ आपका बल्ब जो है, ट्यूब जो बताई थी 40 रुपये की ट्यूब है, टोटल मिला के भाई कॉस्ट 420 के अराउंड पड़ेगी आपको, अगर मायापुरी वगैरह से मैं लेकर आया हूँ। बाकी आइडिया नहीं भाई, हो सकता है इससे सस्ते मिल सकती है, हो सकता है इससे थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे भी मिल सकते। 42 की जो लुक है वो क्लासिक लुक है, एकदम पुरानी वाली लुक है, तो मैंने बोला कुछ ओल्ड लुक रहना चाहिए पूरा बरकरार, इसलिए तो मेरे को सबसे सस्ता जुगाड़ ये लगा एक लाइट का। तो दो लाइट लगा के आपको मतलब 1000-1000 रुपये लग जाएंगे, प्लस आप इसका बल्ब खुद चेंज कर सकते हो, वायरिंग खुद कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं एडिशनल किसी को बुलाने की या करवाने की जरूरत पड़ेगी, आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं है भाई, खाली आपको क्लिंप वगैरह लगाने हैं। तो भाई ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। We'll be right back.